ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक कैसे लाया? आप सभी ड्रीम इलेवन खेलते हो या फिर कोई भी ऐप खेलते हो, उसके अंदर आपकी हमेशा ट्राई रहता है कि ग्रैंड लीग पे आपकी फर्स्ट रैंक आए और साथ में जो भी आप स्मॉल लीग खेल रहे हो उसके अंदर भी आपकी फर्स्ट रैंक आए। लेकिन यहाँ पर कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आ पाती है, लेकिन एक बहुत ऑर्डिनरी मतलब एक नॉर्मल से रैंक आती है, जैसे कि लाखों में आपका नंबर आ रहा हो, जिसकी वजह से आपने जो पैसे लगाए वो तो आपको रिफंड मिल जाता है, लेकिन आपको भी फर्स्ट रैंक नहीं आ पाते हो और लाखों रुपए यहाँ पर विन नहीं कर पाते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी तीन टिप्स बताने वाला हूँ, अगर इन तीनों टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आप ड्रीम इलेवन के अंदर ग्रैंड लीग के अंदर फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो, विन भी कर सकते हो और स्मॉल लीग तो आप सारी विन करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें समझ में आएगी। और गाइस ग्रैंड लीग सही में विन होती है इसके मैंने काफी सारे स्क्रीनशॉट यानी कि इसके सभी प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने बता रखे, और टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको फ्री टीमें भी प्रोवाइड करता हूं, तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे जरूर फॉलो कर देना और टेलीग्राम के साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया करो, क्योंकि मैं आपको वहां पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता हूं, तो आप मुझे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन वहां पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप चेकआउट करके मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको काफी सारे प्रूफ मिलेंगे और काफी आपकी हेल्प होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाने के लिए जो तीन टिप्स है वो कौन सी है। तो गाइस सबसे पहले ये टिप्स है कि बैलेंस टीम, यानी आपको जो टीम बनानी है वो हमेशा आपकी बैलेंस टीम होनी चाहिए, और वो आप कैसे क्रिएट करोगे, तो बैलेंस टीम को बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं वनडे मैच की, यानी कि जो वनडे मैच होते हैं उसके अंदर आप बैलेंस टीम कैसे बनाओगे। देखो वनडे मैच के अंदर आप सभी को पता है कि काफी लंबे मैच चलते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विकेट कीपर से हम जो सेलेक्ट करेंगे, एक विकेट कीपर सेलेक्ट करेंगे और तीन बैट्समैन सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारे चार बैट्समैन यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम तीन ऑलराउंडर को सेलेक्ट करेंगे और साथ में चार बॉलर को सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से एक बैलेंस टीम हमारी वनडे मैचों में बन जाएगी। और यहाँ पर जो मेन टीम बनेगी वो काफी अच्छी होगी, और जो कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हो। स्मॉल लीग के अंदर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लोगे कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ में, लेकिन ग्रैंड लीग के अंदर आपको रिस्क लेना चाहिए। तो रिस्की टीम को बनाने के लिए सिंपल क्या करोगे कि कुछ मतलब प्लेयर आप डिसाइड कर दोगे कि हाँ ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे। तो अगर ड्रीम इलेवन में जैसे आप 20 टीम्स को बना सकते हो, तो 20 टीम्स के अंदर क्या करोगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन साथ में आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको, यहाँ पर आपके विनिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको वनडे मैच की टीम बनानी है। अब यहाँ पर बात करते हैं T20 मैच की, जैसे T20 के वर्ल्ड कप होता है, IPL होता है, ये सारे मैच होते हैं T20 के मैच होते हैं। इन मैचों के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि ये मैच थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं वनडे मैच के मुकाबले। इन मैचों के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बैट्समैन में तो ध्यान देना है, साथ में आपको बॉलर पर भी ध्यान देना है, यानी कि अगर देखा जाए तो गाइस ऑलराउंडर आपके लिए सबसे बेस्ट सिलेक्शन इस टीम के लिए रहने वाला है। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ड्रीम इलेवन में जो पॉइंट सिस्टम है वो अपडेट हो चुका था, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक प्लेयर यानी अगर मान लो कोई भी एक बॉलर है जो अगर विकेट लेता है तो उसको 25 पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं, और वहीं पर अगर आप सोचो कि अगर एक बैट्समैन को 25 पॉइंट अर्न करना है तो उसको 25 रन बनाने पड़ेंगे। अब मान लो कि 25 रन से पहले अगर वो आउट हो जाता है उसको 25 पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन वहीं पर एक बॉलर ने अगर एक विकेट ले लिया तो उसको यहाँ पर सीधे 25 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो T20 मैच के अंदर थोड़ा खेलने का भी टाइम होता है और 20 ओवर होते हैं यानी कि 120 बॉलें होती है, जिसकी वजह से बैट्समैन को भी टाइम मिलता है परफॉर्म करने को और बॉलर को भी टाइम मिलता है बैट मतलब विकेट लेने का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको एक बैलेंस टीम बनानी है। इस तरीके से क्या करोगे, इस टीम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे दो टीमें खेलने वाली है, तो दोनों टीमों के जो भी ओपनर होंगे, तो टोटल चार ओपनर होंगे जो ओपनिंग करेंगे, तो चारों ओपनर आपकी टीम के अंदर होने चाहिए। और इसके अलावा क्या करोगे, चार बॉलर को भी सिलेक्ट करोगे, यानी चार बॉलर आपके लिए वेटेज में रहने चाहिए जो आपकी टीम में बेस्ट रहेंगे। इसके अलावा बचे हुए तीन आप ऑलराउंडर सेलेक्ट करोगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बैट्समैन आपको हर कोई सिलेक्ट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर बैट्समैन आपके सबसे बेस्ट सिलेक्शन वो रहेंगे जो कि ओपनिंग कर रहे हो। तो बस इस बात का अगर ध्यान रखोगे तो T20 के मैच के अंदर जो टीम बना पाओगे वो काफी अच्छी बनेगी। और यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक तो सबसे पहला कैप्टन अगर सेलेक्ट कर रहा हो तो गाइस ऑलराउंडर में से सेलेक्ट करो, आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, या फिर कैप्टन चाहो तो बैट्समैन में से सेलेक्ट कर सकते हो, और साथ में जो वाइस कैप्टन होगा वो ऑलराउंडर से सेलेक्ट कर लेना, या फिर अगर चाहो तो अपने हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन साथ में, क्योंकि आपके पास 20 टीम्स है ड्रीम इलेवन में बनाने के लिए ग्रैंड लीग के अंदर। ग्रैंड लीग में फर्स्ट टीम मतलब फर्स्ट रैंक लानी है तो 20 टीम्स के साथ में आपको उतरना पड़ेगा, और 20 टीम्स के लिए आपको यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा बैलेंस टीम के अंदर। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं T10 के मैचों की, जो कि बहुत काफी अच्छे मैच होते हैं। T10 के मैच की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो मैच थोड़े जल्दी खत्म हो जाते हो, तो रिजल्ट हमें जल्दी पता चल जाता है कि हम विन हुए या हारे। T10 के मैच के अंदर टीम बनाना सबसे ज्यादा इजी होता है, और वहीं पर थोड़ा सा क्या स्ट्रगल यानी थोड़ी बहुत मेहनत होती है इसमें, बट यहाँ पर आप टीम कैसे बनाओगे। यहाँ पर टीम बनाने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला तो ये कि आप क्या कर सकते हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको मैच होने वाला वो 60 बॉलों का मैच होगा, यानी कि 10 ओवर का मैच होगा, और इस मैच के अंदर बैट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा वो होता है मतलब दबाव होता है कि हमें परफॉर्म करना है, तो बैट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उनको क्या बहुत जल्दी जल्दी खेलना होगा, और अगर बैट्समैन जल्दी फास्ट खेलने का ट्राई करेगा तो उसके विकेट जल्दी गिरेंगे। इस चक्कर में क्या होता है कि जो बैट्समैन होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन बॉलर बहुत अच्छा इस मैचों के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो T10 के मैचों के अंदर हमें जो ज्यादा वेटेज देना है वो बॉलर को देना है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बैट्समैन है वो यहाँ पर क्या करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं T10 के मैचों के अंदर। तो अगर कोई ऐसा बैट्समैन है जो बॉलिंग भी कर रहा हो वो आपके लिए बेस्ट सिलेक्शन रहेगा T10 के मैच के अंदर।
तो उसको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हो। और इस तरीके से क्या करोगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 25 पॉइंट मिलते हैं एक विकेट लेने पर, तो ऐसे कई बैट्समैन भी होते हैं जो बॉलिंग करते हैं और जो बॉलर होते हैं वो तो होते ही, तो यानी कि आपको बॉलर को ज्यादा वेटेज देना है अपनी टीम के अंदर अपनी बेस्ट टीम क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं अपनी सेकंड टिप्स की, तो कहीं सेकंड टिप्स के अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात छोटी सी पर बहुत ज्यादा मायने रखती है कि वो ये है कि कोई भी अगर मैच हो रहा हो तो उस मैच से पहले आपको इस मैच की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहां पर होने वाला है, वेदर कैसा है, पिच कौन सी है, कौन सा प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा, कौन सा प्लेयर बाहर है टीम से और कौन सा प्लेयर नया ऐड हो रहा है टीम के अंदर, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई मैच खेलते हो जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आप एक रैंडम टीम बनाओगे, वो रैंडम टीम आपकी कभी भी जीत नहीं पाएगी। ऐसा हो सकता है कि 100 में से एक बार में आपका लक चल जाओ आप जीत जाओ, बट ऐसा हर बार नहीं होगा। हर बार अगर आप यहाँ पर दिमाग से और अच्छी इन्फॉर्मेशन साथ में टीम क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आप विन कर पाओगे। और साथ में आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि जो मैच आप खेलने वाले हो उसके अंदर यहाँ पर 11 प्लेयर आपने जो सेलेक्ट किए एक टीम को लेकर, यानी कि दोनों टीमें मिलाकर आपने 11 प्लेयर जो आपने सेलेक्ट किए वो मतलब 11 के 11 प्लेयर अपनी टीम में खेलने चाहिए। अगर 11 में से एक भी प्लेयर ऐसा आप सेलेक्ट करते हो जो कि नहीं खेल रहा हो आज के मैच में, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। सामने वाला बंदा यहाँ पर ज्वाइन कर लेगा टीम के अंदर, वो विन हो जाएगा और यहाँ पर आप हार जाओगे। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आपको ये पता होना चाहिए, और एटलीस्ट कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो ड्रीम इलेवन में क्या होता है कि लाइनअप होता है, तो लाइनअप जो होता है गाइस वो 20 मिनट्स पहले से आपको पता चल जाता है, और T10 के मैचों के अंदर तो 1 घंटा 45 मिनट पहले आपको लाइनअप मिल जाता है। उसके अंदर आपको ये पहले ही बता देते हैं कि आज कौन खेल रहा है कौन नहीं खेलने वाला है, तो इसकी अपडेट मिलती है क्या करो लाइनअप के टाइम पे अपनी टीम को अपडेट कर लिया करो, वहां पर आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्लेयर खेलने वाला है कौन सा प्लेयर नहीं खेलेंगे। तो आपको ये लाइनअप का भी बिल्कुल ध्यान होना चाहिए जिससे आप टीम और अच्छी बना पाओ और आपकी टीम के अंदर कम से कम सारे प्लेयर खेले। और साथ में अगर आप चाहते हो कि ज्यादा लॉस नहीं हो तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि आप क्या करो ग्रैंडली के साथ में स्मॉल लीग को भी ज्यादा वेटेज दिया करो, क्योंकि स्मॉल लीग के अंदर अगर आप विन करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी अर्निंग अच्छी होगी जिससे आप काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर पाओगे। और ग्रैंड लीग को अपने रिस्क के ऊपर खेला करो, ग्रैंड लीग को अंदर मतलब इतना ज्यादा वेटेज मतलब जितना स्मॉल लीग को देनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल लीग के अंदर आप अर्निंग कर पाओगे बट ग्रैंड लीग के अंदर मुश्किल से महीने में एक बार जीतोगे लेकिन वहाँ पे काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी आपकी लग जाएगी, तो इसलिए स्मॉल लीग सबसे बेस्ट रहती है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारी आखिरी टिप्स की जिसके थ्रू हम भी ग्रैंड लीग जीते और आप भी यहाँ पर जीत सकते हो गाइस, वो तीसरी टिप्स ये है